पूरा देश नहीं पूरा विश्व मना रहा है, और ऐसे में हम क्यों पीछे रहें। हम जैसलमेर वासी हमारे राष्ट्र की आज़ादी के महोत्सव में और राष्ट्र आराधना के रूप में आज का ये कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। हम जो कुछ भी हैं जो कुछ भी कर रहे हैं उसको देश सेवा के नाम पर करना राष्ट्र आराधना के रूप में है, लेकिन संकल्प चुनौती के साथ विश्वास उस भारत माता के चरणों में आज हम प्रदर्शित करने वाले हैं कि हम आपके बच्चे किसी से कम नहीं है और हमारा देश हमारा राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। इस विश्वास के साथ राष्ट्र आराधना कार्यक्रम औपचारिक रूप से कुछ ही क्षणों में हम प्रारंभ करने वाले हैं हमारे अतिथियों के आने के बाद में। दिया कि वो बड़ी बहन के रूप में है और हमेशा इतने सालों से हमारे को सहयोग संरक्षण देती रहती है। आप राज्य महिला आयोग की सदस्य भी हैं, जिला प्रमुख पूर्व रह चुकी हैं, लेकिन ये छोटा परिचय उनका दीदी का, उनका प्यार आत्मीयता और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के परिजन हमारे जैसलमेर नगर के, उनका हमने आज आह्वान किया, उनका स्वागत किया और बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमारी ये प्रार्थना स्वीकार की गायत्री परिवार की दिया की और वो ये पधारे हैं। कुछ ही समय में हम हमारा आज का उच्चारण कर रहे हैं। अग्नि नये सुपता राय अस्मान विद्वान रे वयुनानी अस्मान। आइए प्रार्थना करें, हाथ जोड़े दीपक का प्रार्थना करें। हे अग्निदेव हमको ऊपर उठना सिखाएं, हमको आगे बढ़ना, हमको प्रकाश से भर दें। ओम अग्नि नय सुपताराय अस्मान विश्वानि देव यो यो जस्मज्जुहुराण वेलो। ये दीपक अग्नि देवता का प्रतीक के रूप में हमने पूरे विश्व में फैल जाए, हमारी भारतीय संस्कृति पूरी विश्व संस्कृति बन जाए, ये प्रार्थना भारत माता के साथ में हम कर रहे हैं। ये हमारा छोटा सा प्रयास एक दीपक का विश्व में सुगंधि फैला दे, पूरे विश्व में प्रकाश फैला दे। जहाँ कहीं भी अंधेरा है, जहाँ कहीं भी निराशा है, वहाँ पर सकारात्मकता भर दे, शांति भर दे। जहाँ भी झगड़ा है वहाँ शांति प्रेम भर दे, ऐसी भारत माता हमारी पुष्पांजलि कर दे। सभी थोड़े थोड़े पुष्प जड़ाल तक किसी भी देवी देवताओं को भूलकर भारत माता और था कि हमको 50 साल तक उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमारे युवा माता हम कौन से जाति के थे कौन से धर्म के थे का देश भी महान होता था उनके लिए, लेकिन पूरी दुनिया में हम जब भारत की बात करते हैं तो उस भारतीयता की बात करते हैं जो हमको ज्ञान में सिखाती है, क्योंकि हम भारत को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। भारत माता ज्ञान की प्रतीक है, भारतीय एक संस्कृति का नाम है, राष्ट्र हमारी संस्कृति है, राष्ट्र हमारी विचारधारा है। यदि अमेरिका में रहने वाला यदि शांति की बात करता है, त्याग की बात करता है, सहकार की बात करता है, तो गायत्री मंत्र सभी ओम भूर्भुवः स्वः काम कर रहे हैं। इन्होंने पिछले 10 सालों से हर काम में हमको बिना बोला अतिथि लगती नहीं हमको बड़ी दीदी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपका। ओम भूर्भुवः स्वः मार्गदर्शक है और बैठा बैठी इसके पूरी दुनिया के अच्छे प्रोफेसर उनका नाम आता है, वो हमारे बीच में है, हम सब युवा टीम के वो प्रेरणा स्रोत है, आदरणीय महिजी भाई साहब, उनका गायत्री मंत्र के ऊपर से हार्दिक अभिनंदन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, दिल में बसाए रखना। स्वतंत्रता का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए, स्वतंत्रता का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाए, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाए। बलवानों की ये अमर कहानी ये इतिहास बताता है, बलिदानों की अमर कहानी ये इतिहास बताता, भारत भूमि स्वर्ग से सुंदर अद्भुत इससे नाता, भारत भूमि स्वर्ग से सुंदर अद्भुत इससे नाता, अद्भुत इससे नाता। हम सब आगे बढ़े
आइए सभी गायत्री मंत्र बोलते हुए ये दीपक 75 दीपक एक एक साल का गर्व हमारा और आगे बढ़ने का संकल्प हर दीपक के साथ में ये 75 दीपक हमारे गौरवमय गाथा भारत की राष्ट्र की आगे बढ़ने का संकल्प एक एक दीपक नरेंद्र जी नरपत जी पहले आगे वाला जलाओ हाथ जलेंगे फिर दीप हूँ जलता रहूंगा प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा ये हमारे गुरुदेव की कविता थे गुरुदेव ने बहुत सारी कविताएं लिखी उन्होंने कहा जीवन में कितना भी कठिनाई आएगी लेकिन दीपक का संघर्ष है कितनी भी आंधी आएगी लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं डरूंगा नहीं लड़ता रहूंगा और ये स्वतंत्रता संग्राम का आज ये महाउत्सव हम सबको वही बात है कठिनाइयाँ आएगी जीवन में लेकिन हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे हमारे देश का हर भारतवासी संकल्पित है पूरे राष्ट्र के लिए एक एक दीपक जो हम जला रहे हैं उस संकल्प का प्रतीक है कि हमारे देश की आज़ादी का उसके बाद में हम हमारे जो अतिथि पधारे हैं उनसे हम प्रार्थना करेंगे सिर्फ 5 मिनट का कार्यक्रम नहीं बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मशाल जलाकर हम भारत माता के सामने राष्ट्र आराधना का संकल्प हम लेंगे 5 बार गायत्री महामंत्र बोलकर हम दीपक जला रहे ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं हमारे गायत्री भगवान के वरिष्ठ श्रीमान आप मंच पर अतिथि है मंच में अब मसाज जला के आपको दे रहे हैं उसके बाद संकल्प होगा हमारा पीछा तो देखो आप आज कार्यक्रम का समापन बहुत ही शानदार समापन एक चीज से होगा वो संकल्प अभी तक जो कार्यक्रम किया है वो अधूरा संकल्प सूत्र है आपको उसको दोहराना है अब्लिक लिखा हुआ है हमको दोहराना है उसके बाद एक एक लाइन को हाथ को ऊपर उठा के रखें हाथ मुट्ठी बना के रखें मैं हरिवल्लभ कल्ला देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज राष्ट्र आराधना कार्यक्रम में आज़ादी के यज्ञ में आहुति देने वाले वीरों को नमन करता हूँ मैं यह संकल्प लेता हूँ कि भारत के महान वीरों की जीवन गाथा के स्वर्णिम अध्यायों का सतत अध्ययन करूंगा उनसे प्रेरणा लेकर जीवन जीने का प्रयास करूंगा मैं अपने आसपास फैली किसी भी तरह की गंदगी को मिटाने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्ष में कम से कम एक पौधारोपण कर उसका संरक्षण करूंगा पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का सतत प्रयास करूंगा समाज में व्याप्त बुराइयों अनीति भ्रष्टाचार कुरीतियों नशा के विरुद्ध उठाए जा रहे साहसी कदमों का समर्थन करूंगा और स्वयं भी सम्मिलित होने के लिए प्रयासरत रहूंगा राष्ट्रीयता से बढ़कर कोई धर्म नहीं इस आधार पर राष्ट्रीय एकता और समता के प्रति ऐसा भाव हमारे अंदर ईश्वरीय शक्तियां पैदा करें आप सभी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के जो गौरव शहीदों का बढ़ाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सब लोग कमर सीधी करके बैठ लें एकदम शांत भाव से आसपास की आवाज़ें अपने को विचलित नहीं करें ऐसा भाव बनाए शांति पाए आँख बंद करें यहाँ से बोल रहे हैं शांति कीजिए शब्द को बाद में दोहराएं यहाँ भी सब लोग शांति कीजिए शब्द को सब लोग दोहराएं उसी शांति के साथ में हम समाप्त करेंगे जो शांति अपने मन के भीतर है और जो हमेशा रहेगी।
शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, जल में थल में और गगन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, औषधि वनस्पति वन उपवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति विश्व निर्माण सृजन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, नगर ग्राम में और भवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, जीव मात्र के तन में मन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, और जगत के हर कण कण में शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए।